विभूति खंड थाने में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा के खिलाफ दर्ज 1.36 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दोनों को पुलिस की क्लीन चिट मिल गई है। वहीं पार्टनर एवं मैनेजर किरण बाबा समेत 8 के खिलाफ पुलिस को साक्ष्य मिले हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर ली है। डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन ने बताया कि मामले के विवेचक अजय शुक्ला के मुताबिक आयोसिस वेलनेस कंपनी के अधिकारी विनय भसीन, दर्शन, पूनम कुमारी, ईश्वर फील, आशा शेट्टी, अनामिका चतुर्वेदी और नवीन सुजलाना पुलिस की जांच में दोषी हैं। इन सातों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कंपनी के पार्टनर किरण बाबा के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें नोटिस भेजा जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक शिल्पा शेट्टी के अधिवक्ता ने पुलिस को साक्ष्य दिए कि वे आयोसिस वेलनेस कंपनी में बतौर प्रमोटर थीं और शेयर के रूप में उनकी और मां सुनंदा की कुछ हिस्सेदारी थी। उन्होंने कंपनी मार्च 2017 में छोड़ दी थी और शेयर बेच दिए थे। वहीं ज्योत्सना ने कंपनी की फ्रेंचाइजी वर्ष 2019 में ली थी, इसलिए शिल्पा शेट्टी और उनकी मां के खिलाफ मुकदमे में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहीं पार्टनर किरण बाबा के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं।